आप सबका इस्तकबाल है सिटी न्यूज 24x7 पर। सुल्तान शाही गौलीपुरा के इलाके में मलेश यादव नामी राउडी शीटर ने नशे की हालत में दरगाह सैयद सद्दात साहब की बेहुरमती की और वहां हंगामा किया। राउडी शीटर मलेश यादव ऐसी हरकत इससे पहले भी कई बार कर चुका है। इतना ही नहीं, मौजूदा लोगों को भी परेशान करता है, उन पर जुल्म करता है। मौजूदा लोगों ने कई बार पुलिस स्टेशन में मलेश के खिलाफ शिकायत दर्ज की, लेकिन पुलिस ने मलेश के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। सिटी न्यूज 24x7 पुलिस से गुजारिश करते हैं, मलेश यादव पर सख्त कार्रवाई करे ताकि आम इज्जतदार लोगों को मलेश यादव दोबारा परेशान ना करे और दोबारा मस्जिदों की बेहुरमती ना हो। देखे ये रिपोर्ट। हर अहम खबर से बाखबर रहने सिटी न्यूज 24x7 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करे और फेसबुक पर लाइक करे। मैं हामिद अली बोल रहा हूँ गोलीपुरा मोहम्मद शुक्र मस्जिद से। यहाँ पर जो है कि मलेश यादव बोल के है किराएदार, सामने घर में रहता है और हर थोड़े दिन को, हर 15 दिन महीने डेढ़ महीने में जो है पी के गड़बड़ करता और जो है जगाता रहता या नुकसान पहुँचाते रहता। सामने दरगाह है, दरगाह को नुकसान पहुँचाया और आज मेरे ऊपर जानलेवा हमला भी करा और मेरे ऊपर कुत्ते को छोड़ दिया। यहाँ पर जो है मैं इसको कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं बोला, खामोश आया। मैं दवाखाने गया था, दवा लेके आया, गाड़ी रखा यहाँ पर, गाड़ी रख के मैं जा रहा था, मेरे आँख पे कुत्ते को छोड़ दिया। इसके बाद उसकी बीवी बच्चे उसको रुकाए भी तो नहीं रुका, मेरे ऊपर मारने की कोशिश करा, मेरे को मारा, इधर इधर सब मारा मेरे को। फिर मैं सर्कल साहब को कंप्लेंट करा, सर्कल साहब उसको जो है लेके गए यहाँ से। फिर मेरे को लेके MLC कराए मेरे को। इससे पहले 5-6 बार भी मेरे साथ ऐसी अटैक कर दिया उन्हें, उसके 6-8 कंप्लेंट आए। ACP साहब को भी इसके साथ, CD के साथ भी उन्हें गाली गलौज करा, हमला करने आया, वो भी रिकॉर्डिंग करके उसको दिए, सर्कल साहब को भी दिए CD के साथ, मगर उसके ऊपर अभी तक ऐसा ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं लिया सर्कल साहब। अब जो है उसको करते बोल के बोले कुछ तो भी, अब क्या करते नहीं करते नहीं मालूम। अभी हर थोड़े दिन को, हर 15 दिन महीने को ऐसा पी रहा। ऑलरेडी पहले भी ना रोडी शीटर है, इससे 10 साल पहले 15 साल पहले रोडी शीट थी उसकी, मलेश यादव की। अभी भी उसको पर एक्शन लेते नहीं लेते नहीं मालूम। क्या था कुछ दर्रा के पूरे यहाँ पर झाड़ा रहते, कुंडे रहते, पूरे कुंडे फोड़ दिया उसके, वो कर दिया था उसको जो है, वो कर दे रहा उन्हें। दरगाह नाम क्या है? सैयद सादा साहब के दरगाह है। यहाँ कुछ नहीं हुआ, बस यही हुआ, मैं जो आया मेरे ऊपर गाड़ी रख के पलट के जाते मेरे ऊपर अटैक कर दिया उन्हें। तो नहीं मालूम, पी लेकर था, जब भी पी के रहता गड़बड़ करता, अच्छा रहा खुद नहीं करता, जब भी पीता उसको कुछ भी नहीं सुधरता, ये फेंकता वो फेंकता, ऊपर जो है हमला करते रहता है हमेशा, हर महीने 15 दिन में 20 दिन में ऐसा होते रहता। आप ये बताइए कि ये जो एरिया है जी, ये वफ का एरिया है, तो नॉन मुस्लिम है और रेंटेड? नो, रेंटेड है, रेंट पे रहते, ओनर दूसरे उसके मुस्लिम है ओनर। ये वफ की लैंड है या प्राइवेट? ये वफ की लैंड नहीं है, वफ की लैंड खाली दरगाह की, इधर की खबरस्ता नहीं है, ये ओनर है समझो, ओन घर आए सबके। ये मेरे ससुराल का घर है, ये मेरे साले का घर है, वो दूसरों का घर है, वो घर में किराए से रहता उन्हें, किराएदार है वो, उन्हें अब उन्हें रहता सुदाड़ा किसके पास गिल्ली में, ओनर कौन है उसके? ओनर अबरार बोल के है, उन्होंने है, उन्हें काले पत्थर में रहते। तो अब तक पुलिस क्या एक्शन ली इन पे, क्या केसा हुआ? अब इससे पहले भी कई मरतबा हुआ बता रहे हैं जी हाँ, मगर उनके ऊपर खाली केसा बुक करे, उनको जो है क्या करें नहीं मालूम। हमारे को तो बोले उनके ऊपर केस बुक करें बोल के बोले, अब करे नहीं करे, कितने करें नहीं मालूम हमारे को। अभी भी गए तो अभी भी केस बुक करते बोल के तो बोले। आपका डिमांड क्या है? हमारा डिमांड क्या है, उनको जो है केस बुक करना, उनको सज़ा दिलाना है बस, और उनको ये छोड़ाना, हर थोड़े दिन उनको पीना खाना और हमारे साथ गड़बड़ करना, यही हो रहा उनका। पी लो खा लो कुछ भी कर लो, हमारे को मतलब नहीं है, मगर हमारे नाम पे नहीं आना, हमारे पर गड़बड़ नहीं करना। मैं ऐसा घर खाली कर, यहाँ से घर अभी खाली करा दिया तो उनको अच्छा है, बेहतर है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पहले रोडी शीटर है और अभी भी रोडी शीटी करे हो ना यहाँ पर हर थोड़े दिन। ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सी बात से कुछ गलत अफहमी हो जाता, कुछ ज़्यादा कम्युनल अगर इशू होगा तो? कम्युनल इशू उन्होंने करना चाह रहे साहब, यहाँ पर ऐसा कुछ भी होता है फोन आ करके बुला लेते। अभी भी मेरे को मार के करके अभी फोन आ करके उन्होंने बुला लिया थे, 100-150 आदमी जमा भी हो गए थे और पुलिस वाले रिकॉर्डिंग भी करे हो, पुलिस वालों के पास रिकॉर्ड भी है वो मंगलपुरा PS के, उनके पास। आपका अपना इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर अब SMP टावर सेकंड फ्लोर ओल्ड कृष्णा टाकीज गुलजार हाउस पर मौजूद है। ये पुराने शहर का सबसे बड़ा इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर और 199 कस्टम स्टोर है, जहाँ पर आपको 900 से ज्यादा वैरायटीज के आइटम्स मिलेंगे और साथ ही साथ आपको इजी एक्सप्रेस का इजी डिस्काउंट कार्ड इस्तेमाल करने पर खरीदारी पर 5-30% का डिस्काउंट मिलेगा। और आप हमारे स्टोर के कस्टमर जनाब मोहम्मद गौस की तरह 1000 रुपये की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में 50,000 रुपये का इनाम भी जीत सकते हैं।
सोचना क्या है, आज इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर और 199 कस्टम स्टोर, एसएमपी टावर शॉपिंग मॉल, ओल्ड कृष्णा टाकीज, गुलजार हाउस तशरीफ लाए।